फरवरी 2018 में देश की बेरोजगारी दर 6% का आंकड़ा पार करते हुए एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 4,30,00,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरियां ना होते हुए भी वो खुद को बेरोजगार नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने नौकरी तलाश करना ही छोड़ दिया है। पूरे विश्व के औसत से भारत में रोजगार दर 17% कम है। देखिए रिपोर्ट। देश की बेरोजगारी दर सुधरने की बजाय और बदतर हो गई है। दिसंबर 2016 के बाद फरवरी 2018 में बेरोजगारी दर 6% का आंकड़ा पार करते हुए अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। बेरोजगारी दर के बढ़ने में अहम भूमिका गांव से ज़्यादा शहरों की है। गांव में बेरोजगारी दर 5.6% की है तो शहरों में ये आंकड़ा 6.8% तक पहुँच गया। चिंताजनक विषय ये है कि मार्च 2016 में 38 मिलियन लोग बेरोजगार थे, यानी वो लोग जो बेरोजगार थे और नौकरी ढूंढ रहे थे, और 40 मिलियन लोग मार्जिनली अनएम्प्लॉयड थे, यानी वो लोग जो बेरोजगार तो थे पर नौकरियां नहीं ढूंढ रहे थे। पर फरवरी 2018 में ये आंकड़े बदल गए और बेरोजगार लोगों की संख्या घटकर 26 मिलियन हो गई और मार्जिनली अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या 11 मिलियन हो गई। पर एक नई श्रेणी जुट गई जिसे मिसिंग अनएम्प्लॉयड कहा जा रहा है और इनकी संख्या 43 मिलियन है। ये वो लोग हैं जो बेरोजगार तो हैं पर इन्होंने नौकरियां ढूंढना बंद कर दिया है और इसलिए ये खुद को बेरोजगार भी नहीं बताते हैं। हालांकि इन्हें नौकरियां नहीं मिली हैं इसलिए ये बेरोजगार ही हैं। भारत के जिन राज्यों में बेरोजगारी दर ज्यादा बढ़ी है वो है त्रिपुरा, जहां ये दर 30.3% है, 15.3% के साथ हरियाणा, 15.1% के साथ जम्मू कश्मीर और 10.7% के साथ केरला। आंकड़ों के अनुसार 20,00,000 लोग हर महीने 14 साल की उम्र से ज्यादा की श्रेणी में जुटते हैं और जो लेबर फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, पर भारत में लेबर पार्टिसिपेशन दर विश्व के औसत से काफ़ी कम है। भारत में ये दर 43% है जबकि विश्व का औसत 60% का है, यानी भारत में लगभग 1 करोड़ ज़्यादा लोगों को नौकरियां तलाश करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभालने के पहले हुए चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर वो चुने जाते हैं तो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोज़गार मिलेगा। हालांकि ऐसा तो नहीं हुआ, इसके बजाय ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार जो पहले कम से कम नौकरियां ढूंढते थे वो अब इसकी चाह भी छोड़ चुके हैं। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।